देखो बेटा, आपके पास एक न्यूट्रॉन है जिसका मास 1.6 इंटू 10 रेस पावर 27 केजी है। इसको आप एम मान लीजिए, ठीक। और ये आपका m1 हो गया, m1 आपने m मान लिया है, और ये वेलोसिटी यानी u1 से चल रहा है 10 रेस पावर 8 मीटर पर सेकेंड की। आगे क्या है आपके पास, एक न्यूट्रॉन है, ठीक। इसका वेट क्या है, 3.34। इसको आप डबल कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 3.34, यानी ये एम है तो ये 2m है m2, और ये रेस्ट पे है यानी u2 जीरो पे है। तो ये स्थिति हो गई आपकी बिफोर कोलिजन वाली। उसके बाद आपने क्या हुआ, ये टकरा हो गया, और टकराने के बाद ये दोनों जो है कंबाइंड हो गए, स्टिक हो गए, जुड़ गए हैं। जब जुड़ गए हैं तो जाहिर सी बात है एक कंबाइंड स्पीड से चलने लगेंगे, जिसको आपने वी मान ली। आपको यही निकालना है। तो आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देंगे। पहले मोमेंटम क्या है बेटा आपका, आपने कहा सर हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 है, और दोबारा क्या हो गया, कह लगे सर ये m1 m2 जुड़ गया था और स्टिक होके कॉमन वेलोसिटी से चलने लगा। आपने कहा ये क्या है, कहें सर m है इंटू 10 रेस पावर 8। u2 बेटा क्या है, जीरो है तो मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मिल जाएगा, m प्लस m यानी कि 3m, समझ रहे बेटा। ये कैंसिल हो गया तो वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, 10 रेस पावर 8 अपॉन 3। इसको एक काम कीजिए, एक इधर ले लीजिए, उधार मांग लीजिए 10, 7 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 7 मीटर पर सेकंड से दोनों लोग चलने लगेंगे।